सहिष्णु होना, तिरादी सुमित होना, सबको यथा योग्य सम्मान देना, स्वयं अमानी होना, ये अपने बस की बात नहीं है। कोई ऐसा कहे चाहे जो मैं अमानी हो जाऊं, मानद हो जाऊं, तिरादी सुमित हो जाऊं, सहिष्णु हो जाऊं और क्रोध इत्यादि को दूर कर दूं, सड़ बेगों को दूर कर दूं, आप लोग चेष्टा करके देख लीजिए और अधिक भाव आ जाए। तरीका क्या है, जितने परिमाण में हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे और उन प्रसन्न होकर के कृष्ण की सेवा वासना हमारे हृदय में जगाएंगे, देंगे, अपने भावों को हमें संक्रमित करेंगे और भक्ति जितने परिमाण में आती जाएगी उतने परिमाण में ये सब दोष दूर होंगे। क्योंकि भक्ति कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं है भाई, इस चीज को अच्छी तरह से समझो। भक्ति विशेष करके जो भाव भक्ति है वो साधन सिद्ध नहीं है। साधन किस लिए, नित्य भाव को प्रकट करने के लिए विरोधी जो भावनाएं कुछ कुछ हैं, बस मान लेते हम अक्षर से दूर रहने की चेष्टा करते हैं, स्त्री का संग नहीं करेंगे स्थूल रूप में या स्त्री पुरुष का संग नहीं करेंगे, किंतु मन के अंदर में जो भावना रही उसको कौन दूर करेगा। यदि हठ के द्वारा करोगे तो क्या होगा, कोई नदी के बाढ़ के समान उसको रोकने से जैसे नदी उस बांध को तोड़ फोड़ करके ऊपर से चली जाती है ऐसे हो जाए।